A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। रीवा की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से TL बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प समय अवधि पत्रों के निराकरण तथा CM हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण को समीक्षा के लिए आज उपस्थित हुए। बैठक में मुख्यमंत्री जन रीवा जन और जन सेवा अभियान के आवेदकों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित बैठक में संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह मनाया जा रहा है और आज के बाद सभी कार्य आपको बताने की विधिवत समय अनुसार किए जाएंगे। सामान्य रूप से जिला प्रशासन के द्वारा प्रति सप्ताह साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनसुनवाई और TL की बैठक होती है। TL की बैठक समय सीमा की बैठक होती है। उस समय सीमा में जो शासन के निर्देश आते हैं, अलग अलग तरह का पत्राचार आता है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो महत्वपूर्ण समय में करने वाले कामों के संबंध में पत्राचार होता है, उसके लिए बैठक आयोजित की जाती है। साथ ही इसमें CM हेल्पलाइन, जन कल्याणकारी अन्य योजनाओं की प्रगति, विभागीय समीक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और पूरे सप्ताह कार्य करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वो टाइम लिमिट बैठक TL बैठक में दिया जाता है। अभी CM हेल्पलाइन के संदर्भ में ही इनको निर्देशित किया गया है कि CM हेल्पलाइन में जिले का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार टॉप 10 में आने के लिए, और उसी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज एक राज कपूर ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का भी आयोजन है मुख्यमंत्री जी के, उसमें आज क्योंकि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का 7वां दिन है, 7वें दिन के बाद फिर सामान्य रूप से कार्यक्रम होंगे, तो उस कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो आपको बता दें कि रीवा में अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष को देखते हुए शहर के अमहिया थाना परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां अमहिया थाना स्टाफ का मेडिकल चेकअप किया गया। शिविर में जिला अस्पताल से आए डॉक्टरों द्वारा तमाम स्टाफ का चेकअप कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए और जिन्हें भी समस्याएं थी उनका उपचार किया गया। हाँ, ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ एक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला अस्पताल रीवा से भी डॉक्टर आए थे और पैथोलॉजी वाले थे, जिसमें सारे स्टाफ का मुफ्त में मेडिकल चेकअप किया गया और जिनको भी कुछ समस्याएं थी उस संबंध में उपचार किया गया है उनका। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub। गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।